हेलो दोस्तों, वेलकम टू अगेट मैथमेटिक्स। आज के टॉपिक में हम समझेंगे कि दो 3-पिन सॉकेट और एक स्विच को कनेक्ट हम कैसे कर सकते हैं। इसको कनेक्ट करने के लिए हम सीरीज़ और पैरेलल का यूज़ करेंगे। आइए वीडियो के माध्यम से समझते आज हैं। आज हम सर्किट बनाने के लिए 3-पिन सॉकेट, 3-पिन यानी कि पीछे से 3-पिन होते हैं, आगे से 5-पिन सॉकेट है और एक और 5-पिन सॉकेट, एक स्विच, एक प्लग और एक बोर्ड और एक वायर, लंबी से वायर एक्सटेंशन के लंबा करने के लिए यूज़ करेंगे। कि हमने सर्किट जोड़ लिया है, अब हम क्या करेंगे, इसकी पीछे से कनेक्शन जोड़ेंगे। कैसे सीरीज़, कैसे पैरेलल कनेक्शन हमें देना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर 3 वायर के यूज़ कर रखे हैं, येलो कलर के, ठीक है, 1, 2 और 3। और ये है मेन फेस का, ये न्यूट्रल का, ठीक है, इसको अलग से वायरिंग देंगे हम। अब हम इसका कनेक्शन देख लेते हैं, कैसे करके कनेक्शन होता है। हम क्या करेंगे, इसमें हम मेन फेस देंगे, मेन फेस को यहाँ से सीरीज के द्वारा इसमें कनेक्ट करेंगे, इसके द्वारा इसे यहाँ पर पैरेलल से जोड़ेंगे। यानी कि अगर ये स्विच चलेगा तब ये पूरा सर्किट वर्क करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। फिर न्यूट्रल को न्यूट्रल से कनेक्शन कर देंगे, बस सर्किट पूरा। जैसा कि इसमें हमने जो मेन फेस वाला कनेक्शन है वो कर लिया है। ये देखिए, लाल वाला जो वायर आ रहा है ये मेन फेस का है, इसको हमने प्लग के द्वारा कनेक्ट किया है, इसको आगे सीरीज से कनेक्ट कर दिया है आगे 3-पिन सॉकेट में, उसके द्वारा एक पैरेलल में दे दिया है 3-पिन सॉकेट को, ठीक है, लाइट फेज में। यानी कि अगर जब प्लग चलेगा, देखिए ये और ये क्या है, सीरीज में कनेक्ट है, यानी कि प्लग जब चलेगा तभी ये 3-पिन सॉकेट चलेगा और तभी यहाँ से ये लाइट इधर जाएगी, वोल्टेज इधर जाएगी। यानी कि अगर पिन प्लग काम नहीं करेगा तो पूरा सर्किट काम नहीं करेगा। अब क्या करना है, हमें न्यूट्रल न्यूट्रल को देना है। तो हमें देखिए बचा कौन सा, एक तो न्यूट्रल का फेज यहाँ बचा 3-पिन सॉकेट का, एक 3-पिन सॉकेट का ये बचा। इन दोनों को आपस में हम कनेक्ट करेंगे इस वायर के द्वारा और फिर उसको इस वायर से कनेक्ट करके यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है। मैं भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे कि बाकी बचा हुआ कनेक्शन रह गया था, उसमें क्या था, ये न्यूट्रल और इस न्यूट्रल को मैंने आपस में कनेक्ट किया है वायर के द्वारा। फिर और जो न्यूट्रल आ रहा था नीचे से, मेन फेस के साथ एक न्यूट्रल आता है, उसको आपस में यहाँ कनेक्ट कर दिया है। बस हमारा सर्किट पूरा हो गया। ये यहाँ पर सीरीज, सीरीज से भी पैरेलल, ठीक है, यानी कि ये चलेगा तभी ये पूरा सर्किट काम करेगा, ओके। तो ये था पूरा सर्किट समझने के लिए। देखिए, मेरे पास यहाँ पर अर्थ की वायर नहीं है, 3 वायर वाले होता तो मैं यहाँ पर क्या करता, अर्थ को आपस में कनेक्ट करता एक वायर के द्वारा और किसी भी वायर द्वारा जो तीसरी लाइन होती उसके द्वारा अर्थ को यहाँ से जो वायर आती उसके साथ कनेक्ट कर देता, चाहे वो यहाँ से करता चाहे यहाँ से करता, ठीक है। बस इतना ही समझना था। आइए अब सर्किट को चेक कर लेते हैं। जैसे कि मैंने ये बड़े वाले, इससे पहले जो बनवाया था वो नॉर्मल वाले के साथ, मतलब मोबाइल के चार्ज करने के लिए, वैसे करने के लिए। और ये जो सॉकेट है इसका यूज़ हम फ्रिज में कर सकते हैं, प्रेस के लिए कर सकते हैं, ठीक है, और भी चीज़ों के लिए कर सकते हैं, लेकिन मोटर के लिए नहीं कर सकते। मोटर के लिए इसके, इससे जो बड़ा वाला होता है उसका फेस का यूज़ किया जाता है। तो देखिए, अभी मैंने क्या कर रखा है, इसको अभी आपको लग रहा होगा कि ये ऑन है लेकिन ये उल्टा हो गया है। तो अभी देखिए, मैं इसको जैसे ही यहाँ पर बटन दबाऊँगा तो देखिए वो ऑन हो गया प्रेस, और देखिए मैं यहाँ बंद करूँगा तो वो बंद हो जाएगी, ठीक है, मतलब ये कनेक्शन सही है। इसका मतलब क्या है, अब देखिए इसका कनेक्शन मैंने इससे दिया था, ठीक है, इसका कनेक्शन इससे दिया था, तो मतलब ये अब क्या होना चाहिए, अगर ये बंद है तो ये भी वर्क नहीं करना चाहिए। तो देखिए, ये लगाने पे वर्क करा नहीं करा। अब देखिए, यहाँ से मैंने कनेक्शन दिया तो ये सीरीज़ के द्वारा यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, अब देखिए प्रेस चलने लग गई, तो मतलब हमारा सर्किट सही है। अब अगली वाली वीडियो में हम इसके थ्योरेटिकल समझेंगे। थैंक यू। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।